पिछले काफ़ी दिनों से हर जुबान पर सिर्फ एक ही गाड़ी का नाम है, द ग्रैंड विटारा। और ऐसा क्यों ना हो, इंडिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर की तरफ से उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है, तो हर जगह उसी का नाम चलेगा कि नहीं चलेगा। और आज हम हैं उदयपुर में, आज है हमारे पास द ग्रैंड विटारा। और ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, पता है क्यों? बिकॉज दिस इज़ द रिव्यू ऑफ द 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। अब ये स्पेशल क्यों है? बिकॉज बेस मॉडल हो, मिडल मॉडल हो या टॉप मॉडल हो, हर जगह आपको ये वाला वेरियंट तो मिलने ही वाला है। और मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी होगा। और हमारी इंडियन सोसाइटी कह लो या हमारी सोच ले लो, और जो सही है भी, हम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स को बहुत प्रेफर करते हैं और काफ़ी अच्छे से गले से लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से ग्रैंड विटारा को गले लगाने वाले जो वेरिएंट्स हैं वो हैं इसका मैनुअल वेरिएंट, चाहे बेस हो चाहे मिडल हो चाहे टॉप हो, इसका 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड। तो ये चलाने में कैसी है, सिटी में कैसी है, रियल लाइफ माइलेज कैसा है, सस्पेंशन कैसी है, हर एक चीज़ आज के इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें, किस बात का वेट कर रहे हैं, लेट्स गो। अब इस गाड़ी का इंजन देखो, K15C इंजन आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है ब्रांड की तरफ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और ट्रस्टवर्दी इंजन है। मैं बताता हूँ क्यों, बिकॉज देखो कितनी ही गाड़ियों में ये इंजन यूज़ हो रहा है। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड है, कितने लोगों ने भी चलाया, कंपनी ने R&D की, तो ये काफ़ी रिलायबल स्मूथ आपको एक इंजन मिल जाता है। अब परफॉर्मेंस का क्या, परफॉर्मेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो 103 BHP, 137 Nm ऑफ टॉर्क जो है वो एक एडुकेट पावर जनरेट करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा दिस इज़ अ वेरी पावरफुल इंजन, ना ही मैं बोलूँगा दिस इज़ अ लथार्जिक इंजन, दिस इज़ अ गुड इंजन। अब हम उदयपुर में भी आए हैं, हम पहाड़ों में इस व्हीकल को चला रहे हैं, सिर्फ आपको मतलब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। हाँ, अगर कोई टर्बोचार्ज इंजन होता तब भी मुझे गियर डाउन करके चलाना पड़ना था, क्योंकि देखो सही ड्राइविंग तो वही है, इंजन पर जोर डालोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको भी अगर सही ड्राइव करना चाहते हो तो एक गियर डाउन रखें यूजुअल से, बाकी गाड़ियों की तरह ही, तो आप इजीली इसको स्मूथली बहुत अच्छे तरीके से हिल स्टेशन पे भी चला पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब पावर जो है, अगर आपको पीक चाहिए तो आई थिंक 2500 से 3000 RPM के बाद वो मिलनी आपको शुरू हो जाती है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं लगती। ओवरटेक भी किसी को करना चाहे तो ईजिली कर पाएंगे। हाँ, मैनुअल वेरियंट है तो मैं कहूँगा कि गियर शिफ्ट ज़रूर अपना डाउन कर लें, ज़्यादा अप उसको ना रखें। अभी हम बिल्कुल इसको सिटी और बिल्कुल बंद इलाकों में इसलिए चला रहे हैं ताकि एक अच्छा खासा आइडिया लग सके। देखो बड़ी गाड़ी है, वी नीड टू हैव दिस इन्फॉर्मेशन कि बड़ी चलाने में मैनूवर करने में ईजी है या डिफ़िकल्ट है। तो थोड़ा सा बच्चों से संभालते हुए इधर छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में छुट्टी हुई है, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, रुक जाओ। सो परफॉर्मेंस के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग। तो 4 disc brakes, ABS EBD, हिल असिस्ट आपको स्टार्ट और हिल डिसेंट दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो ऑफर की जाती हैं ब्रांड की तरफ से, अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से। जैसे इस वाले वेरिएंट में हिल डिसेंट कंट्रोल नहीं है, बट हाँ आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है फॉर अदर वेरिएंट्स। अब इस इंजन की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है NVH लेवल्स। अब क्योंकि ये नेचुरल एस्पिरेटेड है, आई नो 1.5 लीटर है, 4 सिलेंडर है, तो नॉइस, वाइब्रेशंस, हार्शनेस बहुत बढ़िया हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। किस तरह की कोई नॉइज़ नहीं आती, किस तरह की कोई वाइब्रेशंस नहीं, और हार्शनेस तो है ही नहीं। अगर आप आइडल कंडीशंस पे भी हैं तब भी आपको वाइब्रेशंस नहीं फील होने वाली इस इंजन के साथ। नॉइज़ तभी आएगी जब आप 3000 RPM से ज़्यादा ऊपर जाएंगे, तो वो तो एविडेंट है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इनएविटेबल है, वो तो आपको प्रॉपर मिलेगा ही मिलेगी, बट वो अच्छी लगती है। हाँ, टर्बोचार्ज की नॉइज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, बट नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की भी नॉइज़ अच्छे RPM पे अच्छी हो जाती है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब आप फैमिली के साथ हैं, जब आपने हाईवे पे जा रहे हैं, कहीं वेकेशन पे आप जा रहे हो, तब क्या ओवरटेक करने में आपको दिक्कत आएगी, मतलब जब फुल पैक्ड है कार, सामान भी है? तो मेरे हिसाब से नहीं। हाँ, आपको एक गियर डाउन ज़रूर करना पड़ेगा, सेम गियर जिस पे आप क्रूज़ करते हुए जा रहे हैं उस पे ओवरटेक करना थोड़ा सा यू नो मुश्किल लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगा इंजन का भी और आपका भी। सो इट्स बेटर टू जस्ट शिफ्ट डाउन अ लिटल और उसके बाद आप रेस देंगे तो बहुत ईजिली आप किसी भी व्हीकल को ओवरटेक कर पाएंगे, और 100-110 पे भी होंगे तब भी, और 60-70 होंगे तब भी। बट ये गियर सिलेक्शन जो है वो बहुत मैटर करती है यहाँ पर, और मैनुअल के साथ यही तो मज़ा है कि हम अपने अकॉर्डिंगली गाड़ी चला पाते हैं।
अब ये एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। हाँ, 6 स्पीड होता तो आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड इट, स्पेशली हाईवेज पे। जब आप हाईवेज पे हाई स्पीड्स कर रहे हो तब आपको लगता है कि 6th गियर करके मैं माइलेज भी बेटर कर सकता हूँ, नॉइस भी कम कर सकता हूँ और रिफाइनमेंट भी, और वाइब्रेशंस काफ़ी कम हो जाएंगी, रिफाइनमेंट बढ़ जाएगी, तब आपको 6th गियर की कमी थोड़ी सी महसूस होगी। बट ठीक है, 5th गियर तक भी है तो आपको टॉर्की नेचर मिल जाती है जब आप हाई स्पीड्स पे होते हो, ये आपको 5th गियर का बेनिफिट मिल जाता है। नाउ ट्रांसमिशन वाइज क्लच इज सुपर लाइट, दैट्स अ रियली गुड थिंग। ट्रैवल ज़्यादा नहीं है, बहुत इजीली आप इसका गियर जो है वो चेंज कर पाते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। एंड एडिशनली अगर हम इसके गियर शिफ्टर की बात करें या गियर नॉब की बात करें इसकी, तो गियर लीवर की सॉरी, तो गियर लीवर मुझे थोड़ा सा लगा है कि हाँ थोड़ा सा हैवियर साइड पे, स्टिफर साइड पे है, इसको भी थोड़ा सा और लाइट वेटेड होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं कि कंपनी ने कोई कमी छोड़ी है, ये कंपनी ने जानबूझ के इसको स्टिफर साइड पे रखा है। उसका रीज़न यही है कि आपको ज़्यादा SUV वाली जो फील है वो प्रोवाइड कर सके ब्रांड, तो इसीलिए ये स्टिफर थोड़ा सा होना भी इम्पॉर्टेंट था। और यही चीज़ इसको ब्रेज़ा से डिफरेंट बनाती है। ब्रेज़ा का सुपर लाइट, इसका थोड़ा सा हैवियर, थोड़ा सा स्टिफर है, लेकिन वो मुझे एक बड़ी गाड़ी की जो फील है वो दिला रहा है। अब ट्रांसमिशन के साथ डेड पैडल भी बता दूं कि यहाँ पर प्रोवाइडेड है, तो आपको एक फुल साइज डेड पैडल मिल जाता है। तो ABCD सब कुछ आपको मिलेगा, जिसमें एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच और डेड पैडल भी है, जो एक अच्छा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने के लिए सही है। रिफाइनमेंट तो इतनी बढ़िया है कि आइडल कंडीशंस पे फील भी नहीं होता कि आपका इंजन ऑन है या नहीं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेसिफिकली जब माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आप इसका यूज़ करते हो, तो आप जैसे आइडल कंडीशन रुक गए कहीं पे और आपने उस इंजन को अब दोबारा स्टार्ट किया, तो अपने आप जब होता था स्टार्ट, तो इतना ज़्यादा फील आपको नहीं होगा कि भाई इंजन स्टार्ट हुआ है, तो वो एक चीज़ बहुत अप्रिशिएट करोगे आप। तो सस्पेंशन भी मेरे को एक स्टिफर साइड पर मिल जाती है, जिसकी वजह से मेजर जो हेल्प मेरी होती है वो ये है कि हाईवे पे स्टेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो गई है, और लो स्पीड्स पे ऑफकोर्स यानी कि स्पीड ब्रेकर्स पे थोड़े से झटके आपको ज़रूर महसूस होंगे, बट दैट्स ओके। देखो बाकी बात है, थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल होती तो अच्छा लगता, और लेकिन उससे क्या है कि फिर सस्पेंशन थोड़ी सॉफ्टर साइड चली जानी थी, फिर हाईवे पे स्टेबिलिटी नहीं मिलनी थी। दिस इज़ एन SUV, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, तो इसने भागना है, हाई स्पीड्स पे चलना है, तो स्टेबिलिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। थोड़ी स्टिफर साइड पर इसकी सस्पेंशन है, बट थोड़ी, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है। बट सस्पेंशन का जो फीडबैक है वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। आपको रोड का या स्टेयरिंग का प्रॉपर जो फीडबैक है वो आपके हाथों तक अच्छे से पहुंचता है, और आप गाड़ी के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाते हैं। चलिए अब इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं मैं। देखो वैसे तो ग्रैंड विटारा में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली मैनुअल वेरिएंट की बात करें तो टॉप मॉडल वाले सारे फीचर्स है। ऑटो आपको IRVM मिलेगा, 9 इंच की टच स्क्रीन है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, साथ में आपको मिल जाते हैं यहाँ पर क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ये सारी चीज़ें ना इस गाड़ी को स्पेशल बनाते हैं। ऑफकोर्स लुक्स वाइज आगे से डिज़ाइन, अलॉय व्हील्स और वो सब तो आपको अच्छे मिल ही जाएंगे, उसमें तो किस तरह का कोई डिनाई नहीं है। 360 डिग्री कैमरा जो इसका आता है वो भी अच्छा लगता है, रिवर्स और फ्रंट दोनों कैमराज आपके लिए एक्टिवेट हो जाते हैं, और हर तरह के वाइड एंगल भी लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, कार का भी साथ साथ लेना चाहते हैं तो भी ऑप्शन अवेलेबल है, प्लस गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं जो कि डायनामिक है। फीचर्स वाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर ऑफर किया जाता है, नो डिनाई इन दैट। लेकिन देखो वो ये ना कि टॉप मॉडल है इसका अल्फा प्लस, जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आता है, तो वहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेंगी, हेड्स अप डिस्प्ले मिलेगा, तो वो चीज़ें उसको और ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं, जो कि यहाँ पर मिसिंग है इस वाले वेरिएंट में। चलिए अब इसकी सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 4-स्टार ग्लोबल एनकैप इसके सेम प्लेटफॉर्म यानी कि ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म को ऑफर किया जाता है। ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, और उसके साथ साथ आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स जो हैं वो इस गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि इसमें काफ़ी सारा जो फीचर्स हैं सेफ्टी को लेकर वो बेस मॉडल से मिलने शुरू हो जाते हैं, तो उनकी लिस्ट में आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ, कन्वीनियंट हो जाएगा आपको। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर आप गाड़ी में बैठते हो तो आपको अच्छा लगता है, दो चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, एक तो हुड का वेट, दिस इज़ द हैवीएस्ट हुड ऑफ एनी मारुति कार आई हैव एवर बीन टेस्टेड, और रही बात इसके डोर्स की तो यस वो अभी भी थोड़े से लाइट वेट है, बट डेफिनेटली उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट की गई है। बाकी ग्रैंड विटारा की अलग से एनकैप टेस्टिंग जल्द आ जाएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी आपके लिए वहीं पर अपलोड कर दी जाएगी, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। अगर आप इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट्स और ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट्स का चेकआउट करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमने पूरी अलग से डिटेल ड्राइव रिव्यूज़ बनाया है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, लिंक्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे।
अब जिस तरह की रोड है, स्टेयरिंग पे बात करना आई थिंक बिल्कुल सही वाजिब साबित होगा यहाँ पर। लेट मी टेल यू अबाउट द स्टेयरिंग व्हील। देखो अब ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है, सिटी में चलाने में आपको किस तरह की दिक्कत नहीं आएगी, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ब्रेजा के कंपैरेटिवली थोड़ा सा हैवी है, लेकिन इतना हैवी भी नहीं है कि आपको चलाने में कोई दिक्कत आए, लेकिन ये इतना हैवी है कि आपको प्रॉपर एसयूवी वाली फील भी प्रोवाइड कर सके। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, अब देखो वही है ना कि इतना ज़्यादा लाइट वेट नहीं है, इट्स अ गुड स्टेयरिंग, तो फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है। तो जो कार एंथुजियास्ट है, जिनको गाड़ी चलाना जेन्युइनली पसंद है, उनको ये स्टेयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा लगेगा। हाई स्पीड्स पे तो और ज़्यादा हैवी हो जाता है और काफ़ी अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करता है, लेकिन लो स्पीड्स पे भी आपको रिस्पॉन्सिव और एक अच्छा फीडबैक वाला स्टेयरिंग, अच्छे वेट वाला स्टेयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। अब हर भारतीय का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि भाई देती कितना है, माइलेज क्या सीन है इसका। तो देखो दिस इज़ अ माइल्ड हाइब्रिड, दिस इज़ अ नेचुरल एस्पिरेटेड, दिस इज़ अ 1.5 लीटर इंजन और इतनी बड़ी गाड़ी। तो देखो हम स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल से हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा अच्छी माइलेज आ जाती है, बट ऑन एन एवरेज सिटी में आपको 12-13 की KMPL माइलेज आपको आराम से मिल जाएगी अगर आप माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम ऑन रखते हैं। अगर उसको ऑफ कर देंगे तो 1 KMPL और मिनिमम माइनस कर सकते हैं। हाईवेज 16-18, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता रियल लाइफ सिनेरियोज में आएगी। हाँ अगर आप हाईवेज पे पूरा एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि मेरे को मैक्सिमम माइलेज निकालनी है, तो आई थिंक 20 KMPL भी कोई पर्सन आराम से निकाल सकता है, बट ऑन अ डेली रेगुलर लाइफ रियल लाइफ 17-18 KMPL मैक्सिमम 18 तो आ ही जानी चाहिए। चलिए कंफर्ट के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आर्मरेस्ट। तो लेफ्ट साइड पे आर्मरेस्ट, राइट साइड पे आर्मरेस्ट, दोनों आपको पैडेड मिल जाती हैं, डेड पैडल भी आपको ऑफर किया जाता है, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, बट यस वेंटिलेटेड सीट्स की कमी महसूस होगी। आई रियली विश इस वेरियंट में, यानी कि माइल्ड हाइब्रिड के मैनुअल वेरियंट में, के टॉप मॉडल में, अल्फा में आपको वेंटिलेटेड सीट्स तो मिलनी चाहिए थी। MID के साथ तो मैं फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, जो कि मिसिंग यहाँ पर लगती है, बड़ी वाली डिजिटल फुल नहीं है, ये छोटी MID है, बड़ी होती तो मैं अच्छा लगता मेरे को, बट इट्स ओके। नाउ मूविंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका आ जाता है विजिबिलिटी। अब एक SUV है अगेन, तो इसके करेक्टर में आना चाहिए कि आपके लिए पॉइंट्स विजिबल हो। तो बड़ी गाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पर्सनली लगता है कि विजिबिलिटी इज रियली रियली गुड। वन ऑफ द बेस्ट थिंग ग्रैंड विटारा में अगर मुझे लगी है एक, वो ये है कि इसके जो ड्राइविंग पोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग है, काफ़ी हाई है। अगर आप इस सीट को एडजस्ट करके हाई कर लेते हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैनुअली करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकली नहीं है, बट इट्स ओके, लेकिन सीट आपको हाइट बहुत अच्छी मिल जाती है। बोनट विजिबिलिटी हो, रोड की विजिबिलिटी हो, काफ़ी अप आप बैठते हो और आपको सारी चीज़ें छोटी लगेंगी, तो वो आपको डेफिनेटली चीज़ अच्छी लगने वाली है। साथ के साथ आपको एक चीज़ और अच्छी लगेगी कि विजिबिलिटी ORVMs और IRVM की बहुत बढ़िया है, बिल्कुल वेल प्लेस्ड, वेल साइज्ड है, पूरी रोड अच्छे से विजिबल होती है और साथ में गाड़ी भी, और आपको कहीं से भी कोई ब्लाइंड स्पॉट नज़र नहीं आता, आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। तो इस बात पे डेफिनेटली एक ग्रेट थम्स अप टू द मारुति टीम। IRVM ऑटो डिमिंग आपको मिलेगा, तो ऑफकोर्स सेफ्टी का एक फीचर है, रात में बहुत ज़्यादा काम आता है, आपकी ड्राइविंग को काफ़ी ईजी और सेफ बना देता है स्पेसिफिकली रात को। तो ओवरऑल थोड़ा सा ड्राइविंग को और कंक्लूड करूँ मैं, तो परफॉर्मेंस वाइज इट्स गुड, नॉट दी बेस्ट, नॉट दी वर्स्ट, इट्स गुड। माइलेज वाइज इट्स रियली ग्रेट, उसके साथ साथ मिल जाती है आपको एक अच्छी स्पेस। अब सारा खेल प्राइसिंग का है मेरे भाई, मारुति ने अगर सही प्राइस रख दी तो वारे नहीं आ रहे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। 100 बात की 1 बात, गाड़ी में है दम, नहीं है ये किसी से भी कम, टर्बो चाहे पेट्रोल और डीजल नहीं है, बस इसी बात का है गम। कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन अब मेन चीज़ ये आ जाती है कि क्या आपको एक डेली कम्यूटर चाहिए और क्या ग्रैंड विटारा उसको फुलफिल करती है। तो डेली कम्यूटर यस, सिटी कंफर्टेबल यस, टिक मार्क, लेकिन अगर आपको एक रेसिंग पावरफुल इंजन चाहिए तो अनफॉर्चुनेटली नो। बट एक बार दिल पे हाथ रख के खुद से पूछो कि क्या आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके साथ आप डेली रेसिंग करना चाहते हो, या डेली उसको अपने ऑफिस लेके जाना चाहते हो, घर लेके जाना चाहते हो, घर से कहीं और घूमने लेके जाना चाहते हो, तो उसके लिए डेफिनेटली आपके सारे पर्पज़ ये फुलफिल कर देती है। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पावर, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आप जो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो यही है, प्राइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्टर जो है वो की फैक्टर है जो मैटर करेगा इसकी सेल्स में। अगर हम ध्यान से सोचें
अब ब्रेजा के साथ इसको कंपेयर करते हैं बिकॉज सेम आपको इंजन मिल जाता है, तो 12.5 लाख का उसका एक शोरूम प्राइस है मैनुअल वेरिएंट टॉप का सेम इंजन के साथ। बस ऑफकोर्स कुछ फीचर्स का और साइज़ का आपको यहाँ पर फ़र्क आ जाता है, बट ध्यान से देखें कुछ फीचर्स कौन से। पैनोरामिक सनरूफ का फ़र्क है, वेंटिलेटेड सीट्स तो आपको मैनुअल वेरिएंट में नहीं ऑफर की जाती इस वाले में देखें, ना ही आपको वायरलेस चार्जर आपको ऑफर किया जाता है, ना ही आपको हेड्सअप डिस्प्ले यहाँ पर मिलती है। तो कहीं ना कहीं ब्रेजा के साथ ही इसका रिलेशन बनता है अगर हम फीचर्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करें, बिकॉज जो टॉप एंड वाले सारे फीचर्स हैं वो टॉप मॉडल में ही है, तो जो कि अल्फा प्लस है यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला। तो इसकी प्राइस अगर हम सोचें बेस मॉडल की जिस हिसाब से फीचर्स हैं बिलो 10 लाख रहेगा तो एक बहुत अच्छी प्राइस है फॉर दी बेस मॉडल। मिडिल मॉडल्स बीच में आ जाएंगे और टॉप मॉडल्स की बात करें तो 12.5 लाख का ब्रेजा का, इसका 14 लाख भी आ गया तो दैट्स अ रियली रियली गुड प्राइस आई पर्सनली बिलीव, बिकॉज आपको एक बड़ा साइज मिल जाता है और बेटर फ्रेश लुक्स मिल जाते हैं ब्रेजा के। ऑब्वियसली वो कंटिन्यू फेसलिफ्ट है, न्यू जनरेशन कह लो वो कंटिन्यू किए जाते हैं लुक्स, इसमें आपको एक फ्रेश लुक देखने को मिलता है। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्राइसिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंजन्स, नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। उदयपुर जरूर विजिट करें, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, और उसके साथ साथ ग्रैंड विटारा को जरूर चेकआउट करें अपने नियरेस्ट शोरूम में। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन राइड सेफ, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ, बाय बाय। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना।